अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं साहब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के शुक्र से मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी, हो चुकी है नई सुबह। मैं आपको अपने नए मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये देखिए, हमारे यहाँ कबूतर, गिलहरी, ये सब बाजरा खाने आते हैं। मुझे यहाँ आके ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ बाजरा खाने आ रहे हैं। वहाँ पर मैं परेशान रहती थी, मैं कैसे पानी और बाजरा रखूं, क्योंकि छत पर जाते हुए मुझे भी अलकस आती थी, कभी डाला कभी नहीं डाला। तो ये देखिए, कबूतर आ रहे हैं ना, यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेलकम टू सबा फूड्स। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। मेरा नाश्ता मैंने अपने लिए नाश्ता तैयार कर दिया। अली मट्टू अभी लेटे हुए हैं, उठ तो गए हैं, अली मट्टू लेटे हुए हैं ये तो। और एक और महाशय, इनसे मिले बगैर कैसे पूरा हो जाएगा व्लॉग, शुरुआत कैसे हो जाएगी। ये हैं, ये खा पी के लेटे हुए हैं, पूरी रात खाते हैं ये, सुबह उठते मेरी जान खाते हैं फिर। तो ये देखिए, ये मैंने मंगाया है स्लेब के लिए, ये स्लेब का वॉलपेपर जिसे कहते हैं ना, स्लेब का ये पेपर सा है ये, मतलब चिपकाने वाला है ये। ये देखिए, इसकी चौड़ाई पूरी नहीं आ रही मेरे स्लेब पे। मैंने सोचा था ये इस पर थोड़ा सा प्लास्टर सा करा के फिर इस पर ये लगा दूँगी, तो ये मैंने लगाया है, लेकिन बस मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। एक तो कागज़ जैसा है बिल्कुल, जैसे वॉलपेपर होते हैं ना वैसे ही ये बिल्कुल चिपकाने वाला। तो ये मैंने इसको खोला, रोल था ना तो सीधा नहीं हो रहा था, तो इसको उल्टा करा तो ये सीधा हो गया था फिर। ये देखिए, और ये वही है जैसे पेपर होते हैं इसके ऊपर चिपके हुए, तो ये मैंने इसको फिर से रोल करके, और इसको बहुत हिसाब से लगाना पड़ता है क्योंकि इस पर ये पेपर चिपका हुआ होता है ना। तो ये देखिए, पेपर इसको थोड़ा थोड़ा करके हटाना पड़ता है। मुझे भी नहीं पता था ये आएगा कैसा। मैं सोच रही थी कुछ प्लास्टिक टाइप का सा आएगा, जैसे फ्रश होते हैं, अलकलाट होते हैं, वैसा आएगा ये तो, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पेपर होता है ना। लेकिन हाँ, वाटर प्रूफ है ये, मैंने लगा दिया है ये घर में। तो ये देखिए, इसको ऐसे खोलते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और इसको बहुत अच्छी तरह फिनिश करते जाएं और चिपकाते जाएं। पूरे उस पर नहीं आया स्लेब पे ये, मैंने थोड़ा आगे रखा है ना, आगे से बहुत ख़राब सा था तो मैंने उस पर छिपाने के लिए, तो इसको ये देखिए, ये मैंने इस पर लगा दिया। ये 2 मीटर के करीब आया था ये, अब देखिए जैसा तैसा हुआ है, ये मैंने किचन पे स्लेब पे लगा दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। सो गाइस, मैं उठ चुका हूँ, मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया और मम्मी अंदर है। मम्मी ने कुछ ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से, ये लेने जा रही हैं कुछ, तो चलिए ऑर्डर लेके आते हैं अपना। तो ये लगा रहे हैं आप, हमने ये तुगरे मंगाए हैं लोहल कुरान और बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के, ये तुगरे तुगरे दिखा अली, ये मैंने ऑर्डर करे थे कोलाज है ये। तो ये मैं अब हम लगा रहे हैं, अभी एक दो और ऑर्डर कर रखे हैं, वो दो और आने हैं अभी हमारे। तो ये ऐसा है चिपकने वाला है, डबल टेप वाला है ये देखो, क्या ना कीलो वीलो की थोड़ी परेशानी सी रहती है ना, बस ये चिपका रही है। अभी मैं एक दो और कोलाज मंगाऊंगी, दीवार बड़ी बड़ी है ना तो अच्छी नहीं लग रही, खाली खाली सी, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर सही। सुबह ही सुबह जो है ना, उठते ही सबसे पहले इसको देखो ना, दुकान और मकान की खैर बरकत के लिए होता है ये लोहल कुरान, दुकानों पे भी लगाते हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक बिस्मिल्लाह लगा दें, इतना ये नीचे है ना इतना ही ऊपर बस। अली मेरा बच्चा है तू, गाइस देखो लग गया हमारा टुकड़ा, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। अब एक बाहर के लिए हमने यहाँ के लिए मक्का और मंगाया है, झाड़ू लगा था वो हैरी पॉटर। गाइस दोपहर का वक्त हो रहा है, ये देखो बाहर कैसी रोशनी रोशनी हो रही है, ये देखो वाह वाह।
वाह 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 वाह। अब यहाँ से देखो दूर से कैसा लगता है ये देखो, ये पूरी वॉल है हमारी, ये देखो वो लगा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो ये मेरे से मिलने आई थी मेरे हमारे पुराने पड़ोसी, जहाँ से मैं अभी आई हूँ वहाँ बिल्कुल घर के सामने रहती थी। तो ये इनकी नंद की लड़की हैं, ये मेरे से ड्रेस सिलवाने लाई हैं। अब इनको ये कहने लगी आपको मेरी ड्रेस सीनी पड़ेगी। वैसे मैंने बिल्कुल सीना छोड़ ही रखा है, लेकिन अब मैंने सोचा थोड़ा बहुत करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बैठे बैठे बेकार होती जा रही हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल बेकार होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये ड्रेस पकड़ ली है, और एक दो और मेरे से बहुत सिर हो रही है कि हमें आपसे ही सिलवानी है। तो मैंने सोचा चलो सी देती हूँ मैं। आज मम्मी और मैं जाएंगे सीलमपुर मार्केट, मम्मी को कुछ कपड़ा लेना है तो सीलमपुर मार्केट से हम कपड़ा लेंगे, और उसके बाद मज़े करेंगे सीलमपुर मार्केट में, एंजॉय करेंगे, कपड़ा लेंगे और मस्ती करेंगे। तो गाइस चलते हैं, मम्मी अभी थोड़ा सा कुछ काम वाम कर रही है घर का, वो काम निपटा लें उसके बाद हम चलेंगे सीलमपुर मार्केट कपड़ा लेने। तो फिर हम सीलमपुर तो गए नहीं, अम्मी और अंशरा आ गई थी, तो फिर अंशरा ने मशीन लगा ली मुझे कपड़े धोने थे। तो अंशरा कहने लगी लाओ पप्पो मैं धो देती हूँ। तो अब माशाल्लाह से मेरी भतीजी बड़ी हो गई है, तो उसने फिर मशीन लगा के मेरे सारे कपड़े धोए। क्या हुआ, क्या हुआ शिम्बू, क्या हुआ शिम्बू, क्या हुआ मैं शिम्बू को, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लाडी करवाने लाडी पुट्टी चढ़ता जा रहा धीरे धीरे। तो लाडी पुट्टी कराने आया ये, लाडी पुट्टी करा रहा। तो ये देखिए यहाँ पर अंशरा कपड़े धो रही है, और अली सारा पानी सूत रहा है, यहाँ पर बहन के साथ बातें भी चल रही हैं और अपना वाइपर भी लगा रहा है। अंशरा की और अली की बहुत बनती है आपस में, इनके बहुत दिमाग भी मिलते हैं, मिजाज भी मिलते हैं। तो दोनों जब साथ होते हैं तो ये दोनों बस हंसते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। ये देखो अंशरा से बातें करने के लिए वाइपर भी चला रहे हैं ये, और दोनों बहन भाई ने मिल के फिर छत भी साफ़ कर दी थी बिल्कुल। मेरा भी काम बहुत आसान करा, अंशरा ने कपड़े धोए और अली ने और अंशरा ने मिलके पूरी छत साफ कर दी थी। तो आज अली के रूम में बैठे हैं सब, इसरार भाई भी अभी आए, और इसरार भाई के पास आते ही ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर अभी जाएंगे इसरार भाई कहीं, वो सरप्राइज है, सरप्राइज देंगे ना, सरप्राइज देंगे इकट्ठा, कल के व्लॉग में देंगे सरप्राइज इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खुशियों के साथ लाए। है भाई इसरार भाई, कल तो मिठाई होगी फिर, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला है। अंशरा ने आज फुप्पो के कपड़े धोए हैं, अंशरा आज तुमने अपने फुप्पो के कपड़े धोए, अब बड़ी मेहनती हो गई हो, है भाई बड़ी हो गई है ना अंशरा, फुप्पो की हेल्प करने लगी अब। तो अब हम इसरार भाई के लिए चाय बनी है, तो चाय बिस्किट खा रहे हैं इसरार के। इसरार तेरे लिए दी है मंगवाली, तो नहीं मेरा तो पेट में चिप्स हो रहा। तो आज मैंने बनाया है आलू गोश्त शोरबे वाला, बस अभी रोटी बनाने रह गई है, अभी रोटी बनाऊंगी। तो फिर अली अल्लाह हाफिज कर दो, इसरार भाई अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, लाइक शेयर करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी से बन के सब्सक्राइबर पूरे करवाओ, थोड़े से रहेगा बस, जल्दी पूरे करो ने, तो उसके बाद लाइव आएंगे हम, सिर्फ 14-15 ही तो रहेगा। यस है ना, पूरे करवाओ, हां हम लाइव आएंगे अगर कल तक हो गए हमारे पूरे
और फिर एक बहुत माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खुशखबरी भी देंगे हम। बस वेट है, वेट कर रहे हैं इस टाइम हम उस खुशखबरी का, फिर हम एकदम सरप्राइज देंगे, खुशखबरी देंगे। तो फिर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए माय चैनल। तो फिर मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड सब्सक्राइब।